is a process in which organisms produce their food from simple inorganic material in the presence of sunlight is called autotrophic. यानी इस process में जो organism होंगे ये अपना food जो है simple inorganic material से प्राप्त करते हैं और in the presence of sunlight. और ये काम किसके presence में होगा? Sunlight के presence में होगा. इसी को हम बोलते हैं autotrophic nutrition. Simple language में आप समझें, यानी जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है simple inorganic material में in the presence of sunlight. ठीक है, अब आप समझेंगे इन सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, है ना. तो यहाँ पे जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना. इससे ही अपना भोजन बनाते हैं, वो भी खुद बनाते हैं. तो चलिए, हमने एग्जांपल में हमने आपको दिया है प्लांट, है ना. प्लांट जो है ये ऐसा एक मतलब लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये भी तो लिविंग में आएगा ही ना. तो प्लांट जो है अपना भोजन जो है ये खुद बनाता है, यानी इसे किसी भी अदर एनिमल पर डिपेंडेंट नहीं होना होता है इसे अपने फूड के लिए. लाइक जैसे हम क्या हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड हैं, है ना. लेकिन प्लांट जो है ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये अपना भोजन खुद बना सकता है ना. इसलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखा गया और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ये हमारा एग्जाम्पल है. अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है. हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, फॉर फूड टू सर्वाइव. एक बात का आप ध्यान रखें, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन, एक सेकेंड, ये जो लाइन है, ये लाइन को आपको नहीं लिखनी है, बिकॉज ये जो है दो दो बार टाइप हो चुकी है, इसलिए आप इस पर ध्यान ना दें, है ना. आप यहाँ से देखें, इन द प्रोसेस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव. यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए और सर्वाइव करने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए, कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है, डिपेंड है, कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड है, जिसे हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना. सिंपल वे में समझे तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे क्या है, आश्रित हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन जो है, इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम ले लेते हैं ह्यूमन एंड अमीबा. ह्यूमन अमीबा जो है ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं.